मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोग के बीच परसेंटेज चैप्टर लेके आया हूँ। परसेंटेज का मैं मात्र आपको 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। लगभग ये सब क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इतने भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, 1331 लाने के लिए 1331 हो जाएगी, मतलब क्या निकालना, मिश्रण निकालना। मिश्रण निकालना ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 + r/100 ठीक है। अब देखिए कितना हो जा रहा है, 1331 रुपया हो जा रहा है। 1331 रुपया मतलब मिश्रण हो गया, मूलधन आपका 1000 दिया हुआ है, 1 + r कितना है, तो r जो है आपका 10% है, 10/100 हो गया है, 10 से काट दिए 10 × 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा 1000 बराबर हो जाएगा कितना, 10 × 11/10। अब देखिए क्या है, 1331 जो है आपका कितना का क्यू है, 11 × 11/10 का क्यू की, जो उसके बाद 11/10 × n हो जाएगा, 11/10 कैंसिल हो गया, n बराबर हो गया 3 वर्ष, कितना आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20000 है, तो अगले वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी है। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20000 है, तो इसके अगले वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए अगले वर्ष में नगर की जनसंख्या निकालना है, अगले वर्ष में नगर की जनसंख्या निकालना है, क्या हो जाएगा, टोटल दिया हुआ कितना 20000 दिया हुआ, देखिए कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो ये आपके 10% आने का, तो ये कुल राशि अपने आप में 100% होता है, 110 हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया, 200 × 100 हो जाएगा 110, ये हो जाएगा कितना, 11 × 22 3 × 0 कितना हो जाएगा, 22000 हो जाएगा जनसंख्या। अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 22000 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 84,07,000 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसकी जनसंख्या जो है 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या निकालना है, वर्ष के बाद किसकी जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 8,47,000 है, कितना परसेंट की वृद्धि हो रही, तो 20% हो रही है, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, तो कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो 1 + 20 = 100 कितना हो जाएगा, 2000। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, 8,47,000 कितना, 5×6 = 5 = 8,47,000 आपका 36/25 हो जाएगा, ठीक है। अब 36/25 करने का आपको दिया, क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8,47,000 है, इसको 25 से भाग देंगे, तो 25 किया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कितना बच गया, यहाँ 9×5 = 14, यहाँ पे 7 बच गया, अब 25 किया फिर 75 हो जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा, 2, यहाँ बच गया, फिर आप यहाँ पे 2 आएगा, 25×8 कितना होता है, तो 200, 25×8 आपका 200 हो गया, फिर कितना आ जाएगा, 2×0 = 25×8 = 200, मतलब पहले का आपको दिया 33, 88 कितना, 0 1 0 हो जाएगा 36। आप कितना 33, 88, 36 में मल्टीपल करेंगे आपका हो जाएगा कितना, 12,19,680, मतलब 12,19,680 आपकी साल की जनसंख्या हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद 12,19,680 एक साल की जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% वृद्धि होती है, उसके बाद 15% कमी होती है, तो उसकी वेतन में कुल कितने% कमी होगी।
एक कर्मचारी के वेतन में पता चल वृद्धि होती है, उसके बाद पता चल कमी होती है, उसके वेतन में कुल कितने परसेंट कमी हो जाएगी। देखिए यदि क्या हो जाए क्वेश्चन में आपका 50% कमी, 50% वृद्धि हो जाए, इसमें देखिए ट्रिक लगाएगी, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाय 100, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाय 100, चूंकि क्या करा 15% वृद्धि 15% कमी, तो 15 का स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 100, 15 का स्क्वायर होता है 225 बट्टे हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 2.25% की कमी हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और हमेशा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, कमी परसेंट में आएगा। याद मानिए इसका दूसरा तरीका देखिए, x प्लस वाई एक्स वाई बट्टे 100, अब देखिए ट्रिक में क्या होता है, पहले 15% वृद्धि होती है, फिर क्या हो गई 15% की कमी होती है, फिर यहाँ पे प्लस 15 इंटू हो जाएगा माइनस 15 बट्टे हो जाएगा 100, अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 15 225 बट्टे हो जाएगा आपका 100, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 202.5, माइनस में आया तो क्या हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा हानि परसेंट कमी परसेंट, क्या आ जाएगा हमेशा आंसर कमी में आएगा 202.25 भाई आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक संख्या के 40% वृद्धि की जाती है उसके बाद 40% कमी किया, एक संख्या में क्या किया जाता है 40% की वृद्धि और 40% कमी किया जाता है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा, शुद्ध परिवर्तन मतलब शुद्ध परिवर्तन निकालना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, क्या कह रहा है 40% की वृद्धि 40% कमी, 40% की इन्होंने वृद्धि किया 40% का कमी किया, ठीक है 40% वृद्धि 40% कमी किया, इस तरह का कंडीशन आएगा हमेशा क्या आ जाएगा कमी परसेंट आ जाएगा, कमी परसेंट द्वारा क्या मैंने अभी जस्ट बताया है एक्स स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा, हो जाएगा 40 का स्क्वायर बट्टे 100 हो जाएगा, हो जाएगा कितना 1600 बट्टे हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा 16% की कमी आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, एक आदमी की आय में पहले 20% बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि की, एक आदमी की आय में पहले 20% बढ़ोतरी हुई फिर बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, लेकिन ठीक क्या लगाएंगे एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाय 100, या फिर क्या लिख सकते हैं इन्होंने क्या किया एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटे 100, इन्होंने क्या किया पहले 10% की 20% बढ़ोतरी, 20 प्लस कितना 30% की बढ़ोतरी, 3 हो जाएगा 20 इंटू हो जाएगा 30 बटे हो जाएगा 100, अब इसको सॉल्व करें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 30 कितना हो गया 50 प्लस 6 कितना हो गया 56% की वृद्धि हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो करमागत छूट 12% और 5% के संकुल एकल छूट कितने प्रतिशत होगी, दो करमागत छूट 12% 5% संकुल एकल छूट कितने प्रतिशत होगी, देखिए दो करमागत छूट करा कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, इसमें क्या करा कितने कितनी परसेंट की कमी हो रहा है 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 इंटू कितना परसेंट की हो रहा है पहले 12% की छूट हो रही है, ये हो जाएगा 88 बटे हो जाएगा 100, ये फिर कितना 5% 95 बटे 100, अब देखिए डबल 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब देखिए 19 95 20 95 100 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, देखिए क्या हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा कितना 1976, ये हो जाएगा 76 × 76 83.6 करने का हो गया कितना हो गया 10 में से 6 गया 4 बच गया, पॉइंट कितना बच गया 9 में से 3 गया 6 16.4%, अब देखिए इसी में क्या करेगा आप इसमें देखिए क्या ट्रिक लगाते हैं, इसमें ट्रिक क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इन्होंने क्या किया पहले पहले इन्होंने कितना परसेंट की वृद्धि की, तो क्या किया पहले 10% 12% बटा प्लस 12 प्लस 12 12 प्लस 5 माइनस हो जाएगा 12 इंटू 5 बटे हो जाएगा 100, जो यहाँ 12 5 17 है माइनस हो जाएगा कितना 12 × 5 = 60 बटे हो जाएगा, कर्मचारी पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसके बाद उसने 10% कम कर दिया, पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, उनके वेतन में कितना परसेंट उनके वेतन में कितना परिवर्तन होगा, तो देखिए क्या करा 10% बढ़ाया गया पहले 10% फिर माइनस 10%, ठीक है जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो मैंने क्या सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 100 ये 0.1% की कमी आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना है,
मिलते हैं फिर।